एक पॉकेट जो कल कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा प्ले और स्मार्टली प्ले कर रहा था वो था सीमेंट स्टॉक्स। आप ग्रासिम देखिए, एसीसी देखिए, ये कुछ एक फ्रंटलाइन शेयर्स है जिनका अच्छा मूवमेंट कल के मार्केट के अंदर आते हुए दिखा। और ये यूजली अब इंफ्रा की जहां तक बात आती है या फिर ग्रोथ की जहां तक बात है, बिना सीमेंट कंपनीज को जोड़े बेनिफिट नहीं होगा। ग्रासिम कल 3.5% चला था। आपके रिकमेंडेशन क्या है सीमेंट स्टॉक्स पे हरी, क्योंकि आप बता रहे थे नोटबंदी का सबसे ज़्यादा असर तो इनको पड़ा, लेकिन ये पूरी तरह से कैलकुलेट हो चुका है ना? अब तो जीएसटी सामने है, रोड मैप गवर्नमेंट का क्लियर है, रिफॉर्म्स की प्रोसेस तेज है, भले वो पेपर्स पे ना हो, कुछ ग्राउंड पे भी होगा। देखिए, मेरा सीमेंट स्टॉक्स पे कंसर्न ये है कि वैल्यूएशन वाइज, यू नो, जो हम नॉर्मली सीमेंट स्टॉक्स को ईवी पे एबिटडा के बेसिस पे देखते हैं या यू नो पर टन बेसिस पे देखते हैं, तो किसी भी आप नजरे से देखो तो सीमेंट कंपनीज मुझे काफी रिचली वैल्यूड लग रहे हैं। तो यहां से आपको अपसाइड जो पोटेंशियल है मुझे तो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा। मैं मानता हूं कि यदि आपको ये लेवल पे यू नो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी पे पार्टिसिपेट करना है तो कैपिटल गुड्स या तो इवन कंस्ट्रक्शन कंपनीज मेरे ख्याल से शुड बी अ बेटर बेट। तो मैं आई थिंक सीमेंट कंपनी से थोड़ा कॉशियस हूं। शायद से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टमेंट तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है कोई राकेश सीमेंट स्टॉक्स में? कल ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एसीसी, सभी का बायस पॉजिटिव था। दीपाली, सब स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, ग्रासिम, अल्ट्राटेक सब अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट एसीसी के अंदर काफी समय बाद कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। नीचे में 1387 एक सपोर्ट है, वहां का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 1455 एक इमीडिएट लक्ष्य है। ग्रासिम ने भी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स दिखाया है, और ग्रासिम में मुझे लगता है ऊपर में 1066-1067 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक का भी टेक्निकल स्ट्रक्चर दीपाली काफ़ी अच्छा है, और ये ऊपर में 4100 के लेवल्स को तोड़ने का दमखम रखता है। ठीक है विवेक, एक चीज़ देखिए, कल हमने फिर से फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर ना काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट आते हुए देखा। जीएसएफसी, आरसीएफ, चंबल, ये कल सभी शेयर्स वापस चलते हुए दिखे हैं। यूजली बजट तक इनकी बात हम पूरी कर देते हैं, लेकिन इस बार एक्सटेंडेड वर्जन है। अब तो खैर सामने मॉनसून भी होगा, फिर से एक बस बन गया है। एक फर्टिलाइजर में डीबीटी भी ड्यू है, वो भी होना चाहिए, सरकार ऐसा सोच रही है, शायद कुछ रिफॉर्म्स लेके आए जाएं। आपका व्यू क्या है? ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला है जिसकी ज़रूरत है वो तो इंटैक्ट है, वो तो एज इट इज़ चल रहा है। दूसरा, क्या प्राइजेस जस्टिफाइड हैं किसी शेयर को लेके? मैं ऐसा तो नहीं समझूंगा कि मैंने 1.5 साल पहले लिया तो ज़्यादा अच्छा रहता, अब तो मैं फंस गया, भले मैं किसी भी शेयर को ले लूँ सरकारी फर्टिलाइजर कंपनीज में। Yes, the focus of the current government has been pretty high on agri space. Having said that, ahead of the monsoon, the uncertainty is expected to remain high. So cautiousness is required at this juncture. Those stock hum dekh rahe hain, which may not be a pure fertilizer play. One is insecticide, the other one is PI Industries. PI Industries has got only a small portfolio which is connected to pesticide and all that, and fungicide. That is a stock which can offer a multi-year growth. Ye dono stock mein hamara bias positive hai. Otherwise, we are advising caution ahead of the monsoon prediction. Jee.